हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है चार तरह के गोलगप्पे का पानी। सबसे पहले हम बनाएंगे गार्लिक बटर मिल्क। इसके लिए प्लेन बटर मिल्क में हम हाफ चम्मच नमक डालेंगे, हाफ चम्मच काला नमक डालेंगे और एक चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे और हमारा गार्लिक बटर मिल्क तैयार है। हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम बनाएंगे पाइनएप्पल फ्लेवर। इसके लिए हम पाइनएप्पल के स्लाइसेस को जार में डालेंगे। इसमें आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और एक कप पानी डालेंगे। सभी को अब हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, यहाँ पाइनएप्पल का पेस्ट तैयार हो गया है। इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे छान लेंगे। अगर पाइनएप्पल जूस ज़्यादा थिक लग रहा हो तो हम इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी मिलाएंगे। इसे भी हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम बनाएंगे तीखा पानी। इसके लिए सबसे पहले एक जार में कुछ पुदीने के पत्तियाँ लेंगे, कुछ हरी मिर्च और 1 चम्मच काली मिर्च डालेंगे। इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें अब हम 1 कप पानी मिलाएंगे। अब इसे भी हम छन्नी से छान लेंगे। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी मिलाएंगे। इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काला नमक, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 चम्मच इमली का पेस्ट भी मिला देंगे। हम मिक्स करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। खट्टा मीठा पानी बनाने के लिए कुछ मिंट लीफ को मिक्सी में पीस लेंगे और उसमें पानी डाल लेंगे। इसे छान कर हम पानी में मसाले ऐड करेंगे। डालेंगे 4 चम्मच इमली का पेस्ट, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 3 चम्मच चीनी और 1/2 चम्मच नमक भी डालेंगे। इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे भी फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देंगे। पानी पूरी के 4 फ्लेवर्स रेडी हैं। सर्व करते समय ये तीखा और खट्टा मीठा पानी में हम ऊपर से बूंदी डालेंगे।
इसे ठंडा ठंडा पूरियों के साथ सर्व करें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव के लिए नीचे कमेंट करें।